आसलपुर जोबनेर रेल फाटक संख्या 243 पर कई वर्षों से ग्रामीणों की ओवरब्रिज निर्माण का सपना अब पूरा हो चुका है। इससे खुशी की लहर छाई हुई है। महला फलोदी मेगा हाईवे पर स्थित आसलपुर जोबनेर रेलवे फाटक संख्या 243, रेलवे डिंडा फाटक संख्या 245 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया है। आसलपुर जोबनेर रेलवे फाटक के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, रेलवे के एडीआरएस संजय दीक्षित, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा थे। विशिष्ट अतिथि आसलपुर सरपंच सरला कुमावत, एडीएन लवप्रिंस सैनी, जिला पार्षद मनोज कुमावत, एसडीएम संजय गोयल, तहसीलदार सुनीता चौधरी, विकास अधिकारी मुरारी लाल पारिक, उप सरपंच राजेंद्र सिंह राव, दैनिक रेल यात्री संघ अध्यक्ष आसलपुर गोपाल कुमावत आदि लोग मौजूद थे। आसलपुर जोबनेर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण होने से जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ज्वाला माता, खाटू श्याम बाबा मंदिर, महला फलोदी, जीन माता मंदिर, बंदे बालाजी का मंदिर, मेगा हाईवे पर नागौर, सीकर, अजमेर सहित गांवों के लोगों को लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। महला फलोदी मेगा हाईवे पर स्थित आसलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन के पास स्थित संपार फाटक संख्या 243 पर रोज 7-8 हजार लोगों को कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रेल फाटक से 24 घंटे में 95 एक्सप्रेस और सवारी ट्रेन और 50 से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती है। ऐसे में अधिकांश समय फाटक बंद होता है। एक बार फाटक बंद होने का मतलब है 15 से 20 मिनट का इंतजार और कई बार तो मालगाड़ी अटक जाने पर 2 घंटे तक का भी इंतजार करना पड़ता है। एक अनुमान के तौर पर दिन में 3000 बड़े वाहन फाटक पर लंबी लाइन में गुजरते हैं। इनके अलावा दो पहिया वाहन अलग है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।